हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेसन, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि जो स्कूल था वह अटैच्ड था टेम्पल के साथ, टेम्पल से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस, पुजारी ने हमको बताया, द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, अक्षरों का ज्ञान और सुबह की प्रार्थना का ज्ञान पुजारी के द्वारा मुझे हुआ। व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा सिंगिंग द अल्फाबेट आर द प्रेयर इन अ कोरस, जबकि जो बच्चे थे वो एक पंक्ति में बैठकर बरामदे में अक्षरों को गाते थे और प्रे गाते थे एक स्वर में। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी जो दादी माँ थी वो एक कोने में बैठकर स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है शास्त्र। तो मेरी दादी माँ वहीं पर किनारे बैठकर शास्त्रों को पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का कार्य समाप्त हो जाता था, we would walk back together, हम दोनों वापस आ जाया करते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, इस बार जो गांव के जो डॉग्स होते थे वो हमें दरवाजे पर मिलते थे मंदिर के। They followed us to our home, वे हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे। Growling and fighting with each other, एक दूसरे पर भौंकते हुए और झगड़ा करते हुए। For the chapatis we threw to them, उन रोटियों के लिए जो हम उन पर फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता ठीक ठाक आराम से शहर में सेटल हो गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें बुलवाया। That was a turning point in our friendship, और यही एक टर्निंग पॉइंट था, विशेष क्षण था हमारी और हमारी दादी माँ की दोस्ती का। यद्यपि वी शेयर द सेम रूम, हमने एक कमरा आपस में शेयर किया। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन मेरी दादी माँ अब मेरे साथ ज़्यादा दिनों तक स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं एक मोटर बस में बैठकर इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता था। There were no dogs in the streets, वहाँ किसी भी गली में कोई कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, और वह स्पैरोज को फीड करती थी, मतलब वो जो दाने डाला करती थी शहर वाले घर के आंगन में बैठकर। Thus we are seeing that here is a turning point about in the friendship of the writer and his grandmother. Now the distance became greater between the friendship of the writer and his grandmother, and at the main time what happened we will read in next paragraph. As the years rolled by, जैसे जैसे वर्ष बीतता गया, we saw less of each other, हम एक दूसरे को बहुत कम देखते थे। For some time, कुछ समय के लिए she continued to wake me up, कुछ समय तक उन्होंने मुझे जगाना जारी रखा। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार कराती थी। When I came back, जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, तो वह मुझसे पूछा करती थी कि अध्यापक ने आज क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स, मैं उन्हें कुछ इंग्लिश के शब्द और छोटी छोटी चीज़ें जैसे वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, पश्चिमी विज्ञान और जो सीखता था वो उनको बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, अरिथमेटिक प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एक्सेट्रा, जो सारी चीज़ें स्कूल में बताई जाती थी वो राइटर आकर अपनी दादी माँ से शेयर करता था। दिस मेड हर हैप्पी, इससे वह अनहैप्पी, इससे वह अप्रसन्न हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब वो मेरे पढ़ाई में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी।
शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वह उन वस्तुओं में उन सब्जेक्ट्स में विश्वास नहीं रखती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए जाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, इसलिए वो परेशान रहती थी कि इस स्कूल में कोई भी प्रकार के ईश्वर या शास्त्र का अध्ययन नहीं कराया जाता है। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने घोषणा की कि वी आर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, हमें आज संगीत की शिक्षा प्रदान की जाएगी। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत परेशान थी। टू हर, उनके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, म्यूजिक लोगों को ख़राब कर देता है, म्यूजिक से संगत खराब हो जाती है। इट वॉज अ मोनोपोली ऑफ हेराल्ड्स एंड बेगर्स, या जो तानाशाही है लोगों की और या भिखारियों की। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोल्क, यह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। शी सेड नथिंग, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं। बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी जो शांति थी या जो उनका न बोलना था, यही उनका मतलब था कि उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद उन्होंने मुश्किल से ही मुझसे कोई बात की। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी आया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे अपना कमरा मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जो सामान्य लिंक था फ्रेंडशिप का वो भी टूट चुका था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रिजिग्नेशन, और मेरी दादी माँ ने अपना जो सेक्लूजन माने होता है जो एकांत अपना था, उन्होंने स्वीकार कर लिया त्याग के साथ। रेजिग्नेशन माने त्याग पत्र होता है, लेकिन यहाँ पर त्याग होगा। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वह मुश्किल से ही किसी से बात करने के लिए अपनी स्पिनिंग व्हील छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, अपनी उसी कुर्सी पर बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर्स को पढ़ती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में, शी रिलैक्स्ड, वह आराम करती थी कुछ क्षण के लिए। वाइल टू फीड द स्पैरोज, जबकि उस समय वो स्पैरोज को दाना दे रही होती थी, फीड करा रही होती थी। वाइल शी सैट इन द वरांदा, जबकि वो बरांदे में बैठती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटिल बिट्स, रोटियों को छोटे छोटे टुकड़े किया करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, सैकड़ों चिड़िया आकर उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग, बेडलैम होता है थोड़ी भद्दी आवाज़, तो वो एक साथ एक सुर में जो आवाज़ उत्पन्न की जाती है, जैसे कई लोग मिलकर एक आवाज़ उत्पन्न करें तो उसी को कहते हैं बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। तो सारी पक्षी एक साथ मिलकर शोर मचाने शुरू कर देते थे। सम केम, कुछ आते थे। एंड पर्च डाउन हर लेग्स, उनके पैरों पर बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर पर बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड, वहाँ हंसती थी। बट नेवर सूट देम अवे, सूट माने होता है रन अवे, भगा देना, तो कभी उनको सूट नहीं करती थी, भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और यह उनका पूरे दिन का सबसे प्रसन्नतम आधा घंटा हुआ करता था। हियर वी आर सीइंग दैट राइटर्स ग्रैंड मदर हैज अ ग्रेट लव फॉर बर्ड्स, एंड बर्ड्स आल्सो सो हर लव फॉर हर हिज ग्रैंड मदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ यू विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।